बढ़ते आगे, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले का एक भयानक वीडियो रिलीज कर दिया है। इसराइल को दहलाने से पहले ईरान ने नसरल्लाह और इस्माइल हनियेह को सलामी भी दी। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगर इसराइल ने हमले की गलती दोहराई तो अंजाम बहुत भयावह होगा। दो मिसाइलों से धुआं धुआं इसराइल। ये इसराइल पर ईरान के हमले की सबसे नई और हाहाकारी तस्वीरें हैं। ईरान बदले की आग में किस कदर जल रहा था, हमले की इस वीडियो को देखकर मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो को देखिए, मिसाइलें अटैक के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले मिसाइलों पर कुछ लिखा जा रहा है। एक एक करके सभी मिसाइलों पर ऐसे ही लिखा गया, ये ईरान के वो कमांडर है या ईरान को समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिन्हें इसराइल मौत के घाट उतार चुका है। उन सभी लोगों के नाम लिखने के बाद मिसाइलों पर बाकायदा उनकी तस्वीरें भी चिपकाई गईं। नसरल्लाह की तस्वीर लगाई गई, इस्माइल हानिया की तस्वीर मिसाइलों पर चिपकाई गई और फिर हुआ प्रलयकारी हमला। लॉन्च साइट से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। लॉन्चिंग के वक्त पर ईरान ने मल्टी कैमरा सेटअप भी लगा रखा था। देखिए कैमरा नंबर 1 की तस्वीर, अब देखिए कैमरा नंबर 2 की तस्वीर। यही नहीं, जब ये मिसाइलें इसराइल में अपने टारगेट को हिट कर रही थी तो वहाँ भी वीडियो शूट किया गया। यानी ईरान जब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसने इसराइल को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि ये ईरान का इसराइल पर हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ धमकी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने अब वो कर दिया जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। वॉर एक्सपर्ट से लेकर तमाम देशों की टॉप लीडरशिप वर्ल्ड वॉर की आशंका से थर्रा गई है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डराने वाली हैं। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक अभी ईरान ने जो 200 मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान अभी अपनी मिसाइलों की एक्यूरेसी चेक कर रहा था। विदेशी मीडिया का ये भी कहना है कि ईरान ने इसराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया ही नहीं था, इसीलिए इसराइल के नागरिक इलाकों में नुकसान नहीं पहुंचा। जहां जहां ईरान का निशाना था वहां वहां मिसाइलें गिरी और अपने टारगेट्स को तबाह किया। तो क्या फुस्त हो गया आयरन डोम? डेविड स्लिंग भी नहीं रोक पाया ईरानी हमला, धरा का धरा रह गया इसराइली एरो सिस्टम। क्या होकर रहेगी वर्ल्ड वॉर 3? आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम, इसराइल की वो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिस पर इसराइल की आईडीएफ के साथ ही पीएम बेनियामिन नेतन्याहू गुमान किया करते थे। लेकिन ईरानी हमले ने इसराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्यों आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर इसराइल इतना फक्र करता है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यूएन में ईरान और इसराइल के एम्बेसडर्स के बीच क्या हुआ। ईरान ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान किसी भी तरह का सैन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड टू टेक फर्दर डिफेंसिव मेजर्स इफ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट एंड डिफेंस इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ मिलिट्री एग्रेशंस एंड इलीगल यूज ऑफ फोर्स। इन दिस रिगार्ड ईरान विल हैव नो हेजिटेशन। ईरान की धमकी का जवाब इसराइल के यूएन एम्बेसडर ने वहीं पर सबके सामने दिया। Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate crippling sanctions on Iran. इजराइल पर हुए हमले से अमेरिका की भी टेंशन टाइट हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को साथ देने का भरोसा दिलाया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और इजरायली ऑपरेशन पर चर्चा के लिए मैंने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की।
मैंने ये साफ किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान से मिसाइल हमले का हिसाब चुकता करेगा ही करेगा। यूएन में इजराइल और ईरान के प्रतिनिधियों की बहस ने भी ये बता दिया कि अभी आसमान से बारूद और बरसेगा, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस हमले में इजराइल की डिफेंस सिस्टम फेल हो गई वो भी कई तरह के सवाल उठाती है। ईरान के दिए जख्म से इतने घंटों बाद भी इजराइल उबर नहीं सका है। ईरान का दावा है कि पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और आईआरजीसी सूत्रों के मुताबिक 3 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय में 1500 मीटर दूर एक गड्ढा बन गया। ईरान को पता है कि इजरायल के साथ अमेरिका ढाल की तरह खड़ा है, लेकिन फिर भी ईरान झुकेगा नहीं वाली स्टाइल में इजरायल को लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने एक बार फिर इजरायल को चेताते हुए कहा कि अगर इजरायल ने थोड़ी सी भी गलती की तो ईरान उसे और भी कुचलने वाला जवाब देगा। अब देखिए इजरायल के उन डिफेंस सिस्टम को जिनकी वजह से इजरायल के पीएम हमेशा निश्चिंत होते हैं। इजरायल के 3 डिफेंस सिस्टम उसकी सुरक्षा की रीढ़ है। पहला है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर दूर के हथियारों को हवा में उड़ाने में सक्षम है। दूसरा डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग, ये 300 किलोमीटर दूर की मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को मारने में सक्षम है। तीसरा है एरो सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता 2400 किलोमीटर है। ये दुश्मन देश की लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मारने में सक्षम है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुश्मन के गोलों और मिसाइलों को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराता है। डेविड स्लिंग दुश्मन के मिसाइल हमलों को 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाकाम कर देता है, जबकि एरो सिस्टम 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों का नाश कर देता है। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का इस्तेमाल तो इजराइल शायद कभी कभार ही करता है, लेकिन इजराइल का जो सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डोम, क्योंकि इजराइल के ज्यादातर दुश्मन उसके आसपास ही बसे हैं। अब देखिए कि इजराइल का आयरन डोम कैसे काम करता है। आयरन डोम को भी लॉन्चर से दागा जाता है, ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम रडार से आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उन पर नजर रखता है। ये पता करता है कि कौन से रॉकेट के आबादी वाले इलाकों में गिरने की संभावना है। इसके बाद ये उन रॉकेटों पर मिसाइलें दागता है, जबकि बाकी रॉकेटों को खुले मैदान में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आयरन डोम को अमेरिका की मदद के साथ इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डिजाइन किया है। इसे पहली बार 2011 में तैनात किया गया था, तब से लेकर आज तक ये इजराइल की सुरक्षा में दीवार बना हुआ है। ईरान करीब 200 मिसाइलें दाग कर इस वक्त खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसकी सुरक्षा दीवार ने करीब 90% हमलों को रोक दिया है और नुकसान ना के बराबर हुआ है।